वन माई सेल्फ रीमा सिंह वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट आज हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो हम आपको बताएंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो होता है सेक्शुअली रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्शुअली मीन्स होता है कि उसमें आपके मेल और फीमेल गैमिट क्या होते हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्शुअली जब वैना टू गैमिट्स फ्यूज टुगेदर उसके बाद सेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव विवी पैरस होता है ह्यूमन में विवी पैरस हमने आपको पहले ही बताया हुआ था या आप सभी को पता है कि विवी पैरस पेरस मीन्स होता है कि गिव बर्थ यंग वंस और ओवी पैरस पेरस मीन्स होता है लेइंग एग तो ह्यूमन में कैसे होता है हम जो होते हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को तो हम में कैसा रिप्रोडक्शन होता है या हम कैसे रिप्रोडक्टिव uh, आ, प्र, आ, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हम प्रोड्यूस करते हैं विवि पैरस तो अगर आपको रिप्रोडक्शन ह्यूमन पूछा जाए तो वन लाइन में आपको क्या बताना है कि ह्यूमन इज आ सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव विवी पैरस अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या स्टेप्स फॉलो होते हैं सबसे पहले हमारा होता है गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स क्या मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स लेकिन अगर हम बात करें फीमेल मेल की तो मेल में क्या होता है आपका मेल में आपका होता है इस पर मैटो जेनेसिस और अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में कैसे होता है फीमेल में आपका होता है ओ जेनेसिस तो गैमेट गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स लेकिन मेल में अगर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अगर फीमेल में गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कौन सा गैमिट्स बनता है स्पर्म गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और ओ में क्या होता है ओ में फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा क्या होता है एग या ओबम इसको हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिटेल में बताएंगे सेकेंड स्टेप होता है इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा मेल गैमिट है वो एंटर करता है इन फीमेल तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि हमारा फीमेल गैमिट फीमेल गैमिट एंटर इनटू फीमेल बोर्डनेस इन सेमिनेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका मेल गैमिट फीमेल बॉडी में एंटर कर गया तो वहाँ से क्या होता है एग ओवम, एग या ओवम रिलीज होता है और क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज़न ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमारा क्या होता है जाइकोट बनता है जयकोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज होता है क्लीवेज का मतलब होता है कि माइटोटिक डिविज़न होता है और माइटोटिक डिविज़न में जब आपका कौन सी आ, कौन सी स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट या इसको हम क्या कहते हैं ब्लास्टूला क्या कहते हैं ब्लास्टूला और यही ब्लास्टूला क्या होता है इम प्लांटेशन होता है इसे ब्लास्टूला का कहाँ पर होता है यूट्राइन बॉल इन फीमेल यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हमारा जयकोड बनता है जायकोड बनने के बाद में उसके उसमें क्या होते हैं बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्ट ब्लास्टोला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम ब्लास्ट्रोसिस्ट भी कहते हैं और यही ब्लास्टोला क्या होता है फ़ीमेल बॉडी के यूट्रस की यूटराइन बॉल में क्या होता है इम्प्लांट होता है इसी प्रोसेस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं इम्प्लांटेशन के बाद हमारा गैस्ट्रिएशन पीरियड होता है यानी कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट uh, होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिएशन पीरियड और उसके बाद होता है पार्चुरेशन पार्चुरेशन का मतलब होता है uh, जो भी uh, जो प्रोसेस होता है हमारा डिलीवरी ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा फिर इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन वोल ऑन फीमेल फिर गैस्ट्रिएशन पीरियड में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बना है उसमें डेवलपमेंट होगा और पार्चुरेशन होता है कि फाइनली जो डिलीवरी ऑफ बेबी का प्रोसेस होता है वो पार्च्येशन कहलाता है अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू टाइप ऑफ ऑर्गन होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो हमारा टेस्टिस होता है जिसमें से क्या रिलीज होते हैं स्पम रिलीज होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन की हम बात करें तो इसमें एक्सेसरी डक्ट होती है एक्सेसरी ग्लैंड होती है और आपका एक्सटर्नल जेनाइटल होता है तो एक्सेसरी डक्ट में हमारा रेटर टेस्टिस होती है वास एफ्रेंशिया होती है और या ये कहाँ पर होती है इनसाइड टेस्टिस जब मैं अपने अगले लेक्चर में आपको टेस्टिस की क्रॉस सेक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे तो वहाँ पे हम इन सभी स्ट्रक्चर को आपको दिखाएंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है तो अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी ऑर्गन में क्या होता है और सेकेंडरी ऑर्गन में सेकेंडरी ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या होता है और जो एपिडाइमस है और वास डेफ्रेंशिया है ये कहाँ होते, है? होते हैं ये होते हैं आउटसाइड द टेस्ट इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड में हमारा सेमिनल वेसिकल होती है जो कि पेयर में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो सिंगल होती है और कॉपर ग्लैंड या इसको हम बल्बो बल्बो यूरेथरल ग्लैंड ग्लैंड भी कहते हैं जो कि ये भी पेयर में होती है एक्सटर्नल जेनाइटल में हमारा पेनिस होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन में भी आपका डक्ट में ग्लैंड में और एक्सटर्नल जेनाइटल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हीं सभी स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में बताऊंगी किस तरीके से कहाँ पर किसकी लोकेशन होती है और किस तरीके से जो मैकेनिज्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू